नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे JVVNL हेल्पर 2 के आज जो 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के बारे में। जितने भी क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम्स या आप एग्ज़ाम्स देख रहे हैं तो इसी वीडियो के कमेंट के नीचे आप क्वेश्चन बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो आज क्वेश्चन है पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है 10। नेक्स्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है 25। और विधानसभा की कितनी सीटें वर्तमान में 200, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, और आपको याद रखनी है पूर्व से पश्चिम, और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर। नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया रिको का मुख्यालय कहाँ है, रिको का। तो दोस्तों इसका उत्तर है जयपुर में, रिको का मुख्यालय जयपुर में है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें किस सन में की गई। 200 विधानसभा सीटें दोस्तों 1977 में की गई थी। इससे पहले 190 सीटें थी विधानसभा की, और 1977 में प्रीसमन के बाद 200 सीटें हो गई। अगला प्रश्न पूछा गया, उदयपुर जिले की स्थापना कब की गई, स्थापना या कब बसाया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में उदय सिंह द्वारा उदयपुर को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काजरी की स्थापना कब हुई थी, काजरी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के भी बचे हुए थे, वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया था तो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है। दोस्तों काजरी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसका उत्तर 1959 ईस्वी में। काजरी की फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपको याद रखनी है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतें थी। तो दोस्तों स्वतंत्रता से पहले 19 रियासतें थी, कितनी रियासतें थी 19 रियासतें, और तीन ठिकाने और 19 रियासतें स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में थी। आठवां क्वेश्चन है, मोबाइल सेल फोन का आविष्कार किसने किया। मोबाइल सेल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने, ये भी आपको याद रखना है। अब हिंदी से रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों सेकंड शिफ्ट में हिंदी से रिलेटिव मुहावरों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक या दो विलोम शब्द से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाक्य व्यवस्थित करना, वाक्य को अरेंज करना, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शब्द शुद्धि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाक्य विचार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वीडियो के अंत में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि कुल कितने क्वेश्चन हिंदी मैथ से पूछे जा रहे हैं, वो सभी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब विलोम शब्द पूछा गया, सक्षम का विलोम शब्द है तो दोस्तों अक्षम। और नौवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है, कठोर वचन कहना। ग्यारहवां प्रश्न है, आम का पर्यायवाची, आम के पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आम का पर्यायवाची बता देता हूँ, अमर रसाल सहकार अति सौरभ, और वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तेरहवां क्वेश्चन है, तारागढ़ पर्वत श्रेणी कौन से जिले में है। तो दोस्तों तारागढ़ पर्वत श्रेणी बूंदी जिले में हो सकती है या अजमेर जिले में, तो इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है। चौदहवां क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। चंबल नदी के बांध, दोस्तों चंबल नदी पर चार बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बिराज, ये सभी चार बांध है चंबल नदी पर, वो आपको देखना है। गुटारू किला कहाँ है, तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है, ऐसा क्वेश्चन भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और वाक्य व्यवस्थित करना भी पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों कुल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिंदी से 30, लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश से 10, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन लगभग, राजस्थान जीके 25 क्वेश्चन, इसी में करंट जीके भी पूछा जा रहा है, राजस्थान का करंट जीके इन 25 क्वेश्चनों में ही पूछा जा रहा है, और मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।